तो राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे ये एक प्रकार से तय हो चुका है, तो चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश कुमार हों, उनके समर्थक जो सपना देख रहे थे दावेदारी करने का, तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, उनकी जो दावेदारी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। और अभी देश की एक बड़ी पत्रिका ने सर्वेक्षण किया है, उस सर्वेक्षण में ममता बनर्जी हैं द्रेस में, अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो कहीं दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। तो सपना देखने में क्या लगता है, और जिसके केवल 44 MLA हों, कोई पार्टी कोई गठबंधन क्यों उनको अपना नेता स्वीकार करेगा। इसलिए भले ही श्रवण कुमार कुछ भी कहते रहें, लेकिन नीतीश कुमार तो दूर दूर तक उस रेस में नहीं है, वो रेस से बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं। कल लालू यादव ने भी जाति आधारित गणना को लेकर केंद्र सरकार पर सर हमला बोला है। नहीं देखिए, वो लालू यादव क्या बोलेंगे, इनकी कठिनाई ये है लालू यादव की कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना का समर्थन क्यों कर रही है। लालू जी बताएं कि बिहार में ये जो निर्णय हुआ वो किसकी सरकार में हुआ, अगर बीजेपी नहीं चाहती तो के बारे में जातीय गणना हो सकती थी। उस सरकार में हम लोग शामिल थे, बीजेपी शामिल थी, हमारे 16 मंत्री उसमें शामिल थे। लालू यादव की पार्टी का दूर दूर तक ठिकाना नहीं था। लालू जी पहले कांग्रेस शासित राज्यों में तो जातीय गणना करा लें, कर्नाटक की सरकार ने 2015 में जातीय गणना कराई, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई। तो पहले कर्नाटक सरकार की जातीय गणना की रिपोर्ट तो सार्वजनिक कराएं। और बिहार में नगर निकाय चुनाव के समय जो अति पिछड़ा आयोग बना था, आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई। तो पहले लालू यादव अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कराएं। इनको दिक्कत ये है कि बीजेपी जातीय गणना का क्यों समर्थन कर रही है। तो बीजेपी पहले भी जातीय गणना के पक्ष में थी, आज भी है और आगे भी जातीय गणना के पक्ष में रहेगी। पर जेडीयू के तमाम नेता, यहाँ तक कि ललन सिंह ने भी कहा है कि बीजेपी पहले पर्दे के पीछे से खेल रही थी, अब फ्रंट फुट पे खेल रही है। देखिए बोलने इसलिए मैंने कहा ना कि उनकी कठिनाई ये है, उनकी दिक्कत ये कि बीजेपी क्यों समर्थन कर रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कभी भी जातीय गणना का विरोध नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनका यही कहना है कि जो सेंसस है वो केंद्र सरकार करा सकती है, सर्वे राज्य करा सकता है, यानी कोई राज्य सरकार चाहे तो जनगणना नहीं करा सकती है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो सर्वे करा सकती है। तेलंगाना ने कराया सर्वे, कर्नाटक ने कराया सर्वे, बिहार में सर्वे हो रहा है और हम पूरी तरह से इस सर्वे के पक्ष में हैं। अरे वो तो बेचारे ठीक ही कर रहे हैं, बेचारे का तो बना ही दिया, नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को बेचारा बना दिया। चार चार मामलों में सजा याफ्ता हो गए, और अगर सजा याफ्ता हुए तो किसके कारण हुए, नीतीश कुमार के कारण, नरेंद्र सिंह के कारण हुए। तो बेचारा तो खुद नीतीश कुमार ने लालू जी को बना दिया कि चार मामलों में सजा याफ्ता हो गए, मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और अब स्थिति ये बन गई है कि बेचारे बीमार भी हैं। तो आज उनकी बीमारी का अगर कोई कारण है तो नीतीश कुमार हैं, जेल में सड़ा दिया, जेल भेज दिया। तो इसलिए नीतीश जी में अगर हिम्मत है तो माफ़ी मांगे लालू यादव से और बिहार की जनता से कि हमने फर्जी कागज के आधार पर लालू जी को फंसाया था, लालू जी निर्दोष हैं और जानबूझकर उनको सजा दी जा रही है।